अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो अभी इसके बाद तलाव का वीडियो भी अपलोड करने वाले हमारे गब्बू भाई की दुकान है, और हमारे बुढ़न भाई दूध डेयरी, एजेंडा शहर में ये पानी गिरने से अपना फायदा होगा आगे चलिए। आगे तो आप लोग हफ्ते में एक बार आता है, अब हफ्ते में तीन बार आएगा पानी ये पानी गिरने से। हाँ हो गया, पहले हफ्ते में एक बार आ रहा था, अब हफ्ते में तीन बार आएगा। पहले बात तो एक दिन तो बिगड़ देना पड़ा मुझे 70 रुपये तरह। साधन में अजंता गांधी चौक में जो बेहतरीन नजारा है पानी के, बारिश का मौसम का, और रोड भी जो अभी बनने वाला है माशाल्लाह आलिम बनने वाला है, अभी कितना टाइम लगता है ये नहीं देखिए, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का, कि बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का और एहसान है कि पानी बहुत अच्छा गिर रहा है, बारिश बहुत प्यारी हो रही है, और ये बारिश का नज़ारा तो बहुत कम देखने को मिल रहा था। अभी तक बारिश नहीं थी, दो तीन पानी अच्छी गिरे है, फिर तालाब में भी लोगों का कहना है कि पानी आ चुका है, और ये जो मौसम है बहुत अच्छा हो चुका है। और हमारे साथ में जो हमारे आरिफ भाई है, आरिफ खान साहब, तो उनका भी आप जो तो शुक्रगुजार रहो कि आपको नई नई न्यूज़ें मिलती है और इनको अपडेट करा करो इनके चैनल को, एजेंडा नई नई न्यूज़ें मिलती रहती है आरिफ भाई की तरफ से, और हर एक खबर को आपको बताते रहते हैं, दर्शाते रहते हैं कि भाई देखिए एजेंडा में ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ। अभी जो है तो इसके बाद आपको कुछ वक्त में जाकर आरिफ भाई खुद अपने अपने चैनल से एजेंडा न्यूज से तालाब पर जाएंगे, तालाब का जो सीन है वो भी बताएंगे आपको कि तालाब में कितना पानी आ चुका है, और यहाँ पर एजेंडा में रोड का काम जो चल रहा है उसके बारे में भी आपको आरिफ भाई एजेंडा न्यूज से एजेंडा चैनल पे देते रहते हैं, आप उनको सपोर्ट किया करो। और जो भी चीज़ें होती रहती है एजेंडा में, रोड बनते रहते हैं, अभी मेरे ख्याल से आता है कि नालियों का काम भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये नालियों में से जो पानी जा रहा है बाहर तो निकल रहा है, अभी तो बारिश के कारण जा रहा है, वो भी बारिश के कारण जा रहा है, तो इसी तरीके से जब बारिश रही तो ऐसी माशाल्लाह पानी जाता है। तो मेरी आप लोगों से जितनी भी लीडर है एजेंडा में, कितने यहाँ ये जो आप जगह दिख रहे हैं यहाँ बहुत ही इलेक्शन के दिन बहुत ही सभा होती है, तो यही रोड का, गांधी चौक के रोड का भी जल्द से जल्द काम स्टार्ट होना चाहिए, तो ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा माशाल्लाह कुछ ही दिनों में बाकी है। तो ये आप देखिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन नज़ारा है, हमारे काका भी खड़े, काका से बात करेंगे हम भी खड़े, काका क्या बोलना चाहिए एजेंडा शहर में जो बारिश हो रही है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से? अच्छा, जो तालाब के बारे में क्या बोलना चाहिए? बस तालाब के बारे में मोटर वालों ने मोटर नहीं चालू करना चाहिए, तालाब के बारे तालाब का वीडियो बता डाले कितना पानी आया उसके अंदर कैसा आया, मैं आरिफ भाई यही इच्छा हुआ, और हो सका तो पूरी कोशिश रहेगी कि आरिफ तालाब भरता जो नाले थे वो नाला भरेंगे, और बाहर क्या की दुकान है यार, ढेप की क्या बोलिए, ढेप बिक रहे कि नहीं बिक रहे? अच्छा क्या बोलिए, बारिश जो अच्छा एजेंडा में हो रही बारिश के बारे में, तो तालाब भरना चाहिए, तालाब तालाब का वीडियो डाले ना हमने, तो एजेंडा चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो हम फाद भाई की होटल में जो सारी सभी जो आए हम यहाँ, मतीन भाई भी मच्छी पकड़ने जाते हैं, मतीन भाई क्या बोलिए तालाब के बारे में? अजंता शहर में गांधी चौक में इस तरीके का पानी चढ़ रहा है माशाल्लाह, जी के सामने बहुत अजंता शहर के तालाब में भी बताने वाले हैं हम इसके बाद का वीडियो, जो अजंता शहर का जो पानी है जो बताने वाले हैं हमारे साधन भाई, साधन भाई क्या बोलना चाहेंगे अजंता शहर में जो बारिश हो रही है माशाल्लाह? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है मालिक का कि अच्छी बारिश हो रही है, और बहुत ही शहर में। तो अभी इसके बाद तालाब का वीडियो भी अपलोड करने वाले हमारे गब्बू भाई की दुकान है, और हमारे बुढ़न भाई दूध डेयरी, माशाल्लाह ये देखिए सभी नज़ारा आपको अजंता गांधी चौक का, तो माशाल्लाह जो गेट नज़र आ रहा है आपको इसमें से, तो इससे बहुत हिसाब से एहतियात से जाना चाहिए उसके अंदर से भाई, क्योंकि आपको जो गेट नज़र आ रहा है उसमें तो पूरा पानी है टपक रहा है, उसके अंदर से पानी टपक रहा है, तो उसकी हालत भी, गेट की हालत भी बहुत ही ख़राब है, वो भी बताने वाले हैं आपको इसके बाद के वीडियो में हम। तो इसी तरीके से एजेंडा न्यूज़ की अपडेट आपको देते रहेंगे हम, आपने
हमारे चैनल। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया अजंता शहर में जो बारिश हुई। गांधी चौक का भी आपने देखे हुए हाल किस तरीके से है, ख़राब था। वहाँ झंडा बंधन होता वहाँ भी देखे हुए आपने। सभी लोग फहद भाई के होटल में बैठे हैं, बारिश के कारण घर पर जा नहीं पा रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई, ये सभी लोग नज़र आ रहे हैं आपको।